गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 14 चैप्टर कर रहे थे, हमारा फैक्टराइजेशन वाला था, जो उसमें हमने 40.1 का हमने पहला सवाल कर लिया था। तो आज हम इसका सेकंड सवाल करेंगे। हमारा सेकंड सम है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। जो आगे एक्सप्रेशन दी गए इनको आपने इनके फैक्टराइज करना है। तो हमारा पहला पार्ट है 7x-42। देखो 7x की अगर हम फैक्टर करते तो 7 × x हो गया, ठीक है बेटा। ये बीच में माइनस का निशान आई, ये माइनस का निशान आ गया। अगर हम 42 के फैक्टर करते हैं, 2 × 2 = 4, 1 × 3 = 7, और फिर ये 7 पे गया 1, यानी 42 के हमारे फैक्टर आ गए 2 × 3 × 7। अब इसमें देखो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 7 बार आ गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर से हमारा 7 चला तो क्या बचा, खाली x बच गया। बीच में जो निशान है माइनस का वो आ गया, इसमें 7 चला गया, 2 और 3 बच गया। हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपका सेकंड पार्ट है 6p-12q। देखो 6p तो आपको पता ही है, 6 की अगर हम फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 6, तो 6 का तुम्हारा आ गया 2 × 3 × p। अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 और 3 = 12, यानी कि 2 × 2 × 3 × q हमारे फैक्टर ये आ गए। अब इसमें दोनों में 2 है, 2 बार आ गया। दोनों में 3 है, 3 बार आ गया। इसमें p है, इसमें q है, कोई बार नहीं आ रहा, तो इधर से हमारा क्या बच गया, p बच गया, और इधर से 2 और 3 चला गया तो क्या बच गया, 2 q, 2 × 3 = 6, p-2q, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7a² + 14a। देखो 7 के तो फैक्टर होते हैं 7 × a × a, 2 टाइम्स a था, तो ये हो गया। बीच में प्लस है, 2 × 7 = 14 हो गया × a। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 7 दोनों में है, a है दोनों में, यानी कि एक 7 आ गया और एक a बाहर आ गया। तो इधर से 7 और a चला गया तो क्या रह गया, खाली a रह गया। इधर से 7 और a निकल गया तो बाकी क्या बचा, खाली 2। तो 7a(a+2) ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये तीनों सवाल आपके सामने हैं, आप इनको ध्यान से एक बार देख लें, फिर हम इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा आगे नेक्स्ट पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट है -16z + 20z³। देखो अगर हम 16 के फैक्टर करते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, यानी 16 के हमारे फैक्टर के आगे, देखो इसमें पहले -1 आप अलग ले लो, क्योंकि -1 करेंगे क्योंकि इसमें माइनस है, तो हम इसको अलग ले लो। × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × z, इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है। अगर हम 20 के फैक्टर करते हैं, 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 2 × 2 × 5, इसमें जेड हमारा 3 टाइम है, ये आ गया। इसमें ये 2 बार आ गया, एक और 2 बार आ गया। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 है, कोई और बार नहीं आएगा। इसमें एक जेड, इसमें एक जेड बाहर आ गया, और कुछ नहीं बचा। तो इसमें हमारे ये 2 2 निकल गए थे, तो 2 × 2 = 4, 4 z, और ये -1 से करा तो माइनस का 4z हो गया, ये प्लस है, प्लस आ गया। इसमें 2 2 बाहर निकल गए और एक z निकल गया, तो 5z की स्केयर अंदर रह गया।
टू टू जा फोर जेड, माइनस फोर जेड प्लस फाइव जेड की स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा फिफ्थ पार्ट है ट्वेंटी एल स्क्वायर एम प्लस थर्टी ए एल एम। ट्वेंटी के हमने ऊपर फैक्टर किए थे टू टू और फाइव के बने थे, यानी टू इंटू टू इंटू फाइव, और एल टू टाइम्स है तो एल इंटू एम, बीच में ये प्लस है। हम थर्टी के फैक्टर करते हैं, टू वन जा टू फाइव जा, तो अब ये थ्री पे गया, थ्री फाइव जा और ये फाइव पे, यानी कि टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू ए इंटू एल इंटू एम। देखो ये टू दोनों में है, टू बार आ गया। अब इसमें टू है पर इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा। फाइव दोनों में है, फाइव बार आ गया। इसमें एल है, एक एल बार आ गया, एक एम बार आ गया। देखो इसमें टू और फाइव निकल गया, ये खाली टू बच गया, टू और एल एम, ये प्लस का निशान था, प्लस आ गया। इसमें एक टू और फाइव निकल गया ये दोनों, तो क्या बच गया, थ्री, एक एल एम निकल गया, थ्री ए बच गया खाली। तो टू फाइव जा टेन एल एम इंटू टू एल, लेकिन ये एम बाहर निकल गया तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, प्लस थ्री ए। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइव एक्स की स्केयर वाई माइनस फिफ्टीन एक्स वाई स्केयर। तो फाइव इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस फिफ्टीन का हो गया थ्री इंटू फाइव, वन टाइम एक्स है और टू टाइम्स वाई है, दोनों में से फाइव बार आ गया, एक एक्स बार आ गया और एक वाई बार आ गया। तो इधर से फाइव एक्स और वाई चला गया तो क्या बचा, खाली एक्स बच गया, ये बीच में माइनस था एक, तो ये थ्री बच गया। फाइव एक्स और वाई चला गया तो खाली वाई बच गया, तो फाइव एक्स वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इन तीनों भागों को एक बार अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। आगे हमारा नेक्स्ट भाग है इसका टेन ए स्केयर माइनस फिफ्टीन बी स्केयर प्लस ट्वेंटी सी स्केयर। अब इसमें थ्री डिजिट हो गए, तो टेन का होगा टू इंटू फाइव ए इंटू ए, माइनस फिफ्टीन का हो गया थ्री इंटू फाइव इंटू बी इंटू बी, और ट्वेंटी का हो गया टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सी, क्योंकि इसमें सी टू टाइम्स है। इसमें टू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, खाली ये फाइव कॉमन आया, एक ये फाइव आ गया और एक ये फाइव आ गया, तो यानी कि फाइव कॉमन हो गया। इसमें ए है बट इन दोनों में नहीं है तो इसमें कोई और कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें टू ए की स्केयर माइनस थ्री बी की स्केयर प्लस टू टू जा फोर सी की स्केयर, हमारा ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट भाग है माइनस फोर ए स्केयर, तो माइनस वन इंटू टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए, क्योंकि फोर के ही बनते हैं, फोर ए भी है, टू इंटू टू इंटू ए इंटू बी माइनस फोर सी है टू इंटू टू इंटू सी इंटू ए। तो दो टू दोनों में तीनों में कॉमन है, टू इंटू टू ए तीनों में है तो इंटू ए,
इसमें क्या बच गया, ये माइनस वन भी है, और मैंने कि माइनस का ए, टू टू और ए निकल गया तो प्लस बी, ये माइनस टू टू और ए निकल गया तो ये सी, टू टू जा फोर ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें आपके ये दो भाग आए, आप इनको अच्छे से देखिए। तो आज आपने इन आर्ट्स पार्ट्स को अच्छे से अपने वीडियो में देखना है और इनको अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इनको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।